देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में हमने ये सब चीजें करी थी, बट कहाँ याद रहती है बचपन की बातें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। राइज एंड फॉल इज मूवमेंट अलोंग द कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, वो सब होते थे शिफ्ट्स। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, शिफ्ट्स और मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर सिर्फ उसी का प्राइस चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मत कर बेटा, उधर उस रूम में म्यूजिक चला देता, वहां डांस कर ले। अगर सिर्फ उसी का प्राइस चेंज हो रहा है और मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, तो उसे कहते हैं राइज और फॉल। शिफ्ट हो रहा है कर्व में, उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, दो अलग क्वेश्चन। तो बिल्कुल, तो राइज और फॉल एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी हो गई ना, सिचुएशन है, ठीक है ना। बट अगर बोला कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो आपको बना के दिखाना है क्या। पहली बात, राइज और फॉल मूवमेंट अलोंग द कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट इन द कर्व। कोई डाउट? सुनी सुनी सी बातें हैं सर, लिख दो। राइज और फॉल मूवमेंट अलोंग द कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट्स इन द, कोई डाउट? कहानी तो अभी शुरू होगी, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, वाई एक्सिस एक्सचेंज रेट। व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ध्यान से देखना। तो पहले आप दिखाओगे कि प्रेजेंट स्टेट क्या था। तो कुछ सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, डी वन एस वन, डी वन एस वन। इस सिचुएशन में आर वन क्यू वन ई वन, वट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, वट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का इफेक्ट होगा या सप्लाई का? डिमांड कर्व, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डिमांड चेंज हुई है। इंक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट? राइट वर्ड शिफ्ट। चलो तो ध्यान से देखना कैसे शो करेंगे। एक कर्व बना देंगे राइट पैरेलल टू द राइट डिमांड वन कर्व, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व के पैरेलल दिखा देंगे डी टू, डी टू राइट वर्ड शिफ्ट। अब ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ध्यान से देखना, पहले ये डॉटेड लाइन। अब आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या हुआ? इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ
आपकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ी ना, सप्लाई तो नहीं बढ़ी, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी? एक्सेस डिमांड है तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाके आएगा, यहाँ पे आ जाएगा. क्या बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा E2. क्या हो जाएगा ये E2, इसको ले लेते हैं E1. कोई भी डाउट अभी तक? आप ध्यान से देखना आपको मार्किंग कैसे करनी है, आपको दिखाना पड़ेगा ना कि नया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है. क्या है ये R2, ये क्या है Q2, Q1 to Q2, R1 to R2. When there is an increase in demand, तो लिख के बताता हूँ, डर लगता है मुझे आप लोगों से बहुत. क्या बता रहा हूँ आपको मैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी. इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट राइजेस, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ2, OP1 टू OR1. P नहीं, हमने उसको रेट लिया, OR1 टू OR2. एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ER इज एक्सचेंज रेट. बैक टू द ग्राफ, हाँ चला गया ग्राफ. क्या है ये, इंक्रीज इन डिमांड. तो अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड का हुआ, तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ा, तो इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू डेप्रिसिएशन. तो अगर आएगा ना एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो ये डायग्राम बनेगा. तो दो रीजन हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन कब हो रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी. होम करेंसी कब गिरेगी, जब एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है. एक्सचेंज रेट किसी भी चीज का रेट कब बढ़ता है, जब उसकी शॉर्टेज होती है. तो शॉर्टेज होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई. तो अभी ग्राफ बनेगा जो कि आप खुद बनाएंगे, कि अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, दैट विल बी अप्रिसिएशन. सप्लाई है तो एक सप्लाई का करके दिखा देता हूं. इंक्रीज इन डिमांड मैंने कर दिया, डिक्रीज इन डिमांड पूरा ग्राफ और उसके इंपैक्ट सब आप कर लेंगे अपने आप. हेलो, इंक्रीज इन डिमांड मैंने कर दिया, डिक्रीज इन डिमांड कर लोगे अपने आप. ऑनलाइन आपसे पूछ रहा हूं, हम तो कर लेंगे. अरे कोई है? ओ जीसस, यस क्या सर, यस सर, कर क्या, यस सर, लेंगे सर. क्या कर लोगे? सर डिक्रीज फॉल इन डिमांड का वो. डिक्रीज इन डिमांड, हाँ इंक्रीज मैंने कर दिया है, ये इंक्रीज इन डिमांड का है, ये इंक्रीज इन डिमांड का है, डिक्रीज आप अपने आप कर लेंगे. ठीक है, यस सर. तो अब मैं इंक्रीज इन सप्लाई का दिखा देता हूं. ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई के दोनों के इंपैक्ट सेम है.
तो इनडायरेक्टली मैं आपका काम आसान करना चाहता हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता, जरूर इसमें कोई कैच है। नहीं बेटा भरोसा रखो, घर वालों के बाद एक आप ही हो जिसपे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पढ़ाई के मामले में आप हमारा काम सिर्फ बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। नहीं मैं कम करूंगा, ध्यान से देखना। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, वाई एक्सेस एक्सचेंज रेट। क्या बता रहा हूं मैं आपको, डिक्रीज इन सब इंक्रीज इन सप्लाई, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑन द एक्सचेंज रेट। कुछ तड़कता भड़कता कलर यूज करते हैं, व्हाइट ध्यान से देखना, व्हाइट अच्छा लगता है ब्लैक बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये सिचुएशन थी डिमांड सप्लाई, एक्सचेंज रेट था, R1 Q1। अब क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, S2 S2। J क्या था, E1। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड तो चेंज हुई नहीं, सप्लाई बढ़ गई तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, किसी चीज की अबंडेंस होगी तो उसके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई गिरेगी और नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। R2 Q2 एक्सचेंज, तो इंपैक्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। चलो क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन, क्या बोला आपने, ठीक है, तो लीड्स टू अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। तो अगर इंपैक्ट पढ़ेंगे हम, क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉल्स, तो ये क्या हुआ, अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। अब यार इंपैक्ट ऑफ अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मेक्स द इंपोर्ट चीपर, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा अच्छे से, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, सप्लाई बढ़ी है ना, एक्सेस सप्लाई, तो सप्लाई तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ी है, प्राइस गिरे हैं, कोई डाउट, समझ आई बात, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शिफ्ट्स इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर नेक्स्ट वीक, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोनों ही, एक्सप्लेन दोनों कर दिया, बना के एक दिखाया, इंक्रीज इन डिमांड मैंने बनाया, डिक्रीज इन डिमांड आप बना देंगे, इंक्रीज इन सप्लाई मैंने बना दिया, डिक्रीज इन सप्लाई आप बना देंगे, ओके, कोई भी डाउट। तो कैसे इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन, ये सब भी आपको समझ आना चाहिए। कोई भी डाउट,
क्लियर?